सो अभी स्टार्ट करते हैं लोग इंटीग्रेशन के सम इम्पोर्टेंस रीजन जो कि मैं बोर्ड पे लिख रखा हूँ। इसको मैं तो पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इससे रिलेटेड सम एग्जांपल्स करते हैं। अगर इस फॉर्म पे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आप इतना प्रैक्टिस करिए कि इसको इजिली विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर ही आप सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले फॉर्म को समझिए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिखा हुआ बी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस की बी साइन स्क्वायर एक्स अगर इस फॉर्म पे है, या ऐसे देखिए 1 अपॉन a प्लस b sin² x इस फॉर्म पे अगर है, या a प्लस b cos² x ऐसा है 1 अपॉन a प्लस b cos² x इंटू डी एक्स, ठीक है, या 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर, या ये फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने 1 अपॉन a b sin² x प्लस cos² x, या ऐसा भी देखिए क्या लिखा 1 अपॉन a प्लस b sin² cos² x लिखा हुआ a प्लस b sin² x प्लस cos² x। अगर इस टाइप के फॉर्म आपको दिख रहे हैं तो एक छोटी सी काम करना है आपको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करना, cos² x से डिवाइड कर लेना आपको, यानी डिवाइड बाई यहाँ पे लिख लेना डिवाइडिंग बाय cos² x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दो के दोनों में आपको क्या करना है cos² x से डिवाइड कर लेना है, देन पुट कर लेना है tan x। अगर tan x आ जाएगा तो tan x को हम लोग क्या पुट करें, देन ऐसे यहां लिख लो देन पुट tan x इक्वल टू t पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे tan x इक्वल टू t, आपको वैसा फॉर्म बन ही जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम आपसे शेयर करते हैं। अभी देखिएगा एक इंटीग्रेशन हम लोगों ने इधर ले रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस sin 2x, ठीक है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए बने रहिए इसको। देखिए dx डिवाइडेड बाय देखिए 3 है, अब यहाँ देखिएगा 3 के बगल में अगर हम बात करें 3 इंटू 1 तो 1 के प्लेस पे हम लोग को पता है बेटा sin² x + cos² x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एस, ठीक है। sin² x इक्वल टू क्या होता है sin² sin x cos x, क्या लिखेंगे 2 sin x cos x। ये हम लोगों ने फॉर्मूला ऑलरेडी लर्न रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो देखिए ऐसा यहां से थोड़ा और फिर से राइट कर लीजिए डी एक्स डिवाइडेड बाई ध्यान दीजिएगा 3 sin² x प्लस के क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 cos² x ये हो गया प्लस के 2 sin x cos x, ठीक है बेटा। अब क्या हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या करना, अगर इस टाइप के फॉर्म पे दिख रहा है तो हम लोग को cos² x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना, डिवाइड करना फर्स्ट स्टेप। तो देखिए जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे हम लोग तो देखिए ऊपर क्या जाएगा sec² x आएगा या नहीं, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं 1 अपॉन cos² हो रहा है तो sec² हो जाएगा sec² x into dx डिवाइडेड बाई यहाँ देखिए 3 cos² से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 tan² x, क्या हो जाएगा 3 tan² x, और यहाँ देखिए cos² से करेंगे तो ओनली 3 बचेगा प्लस के, यहाँ देखो cos² तो 1 cos² 1 cos² कैंसिल हो जाएगा sin x upon cos x यानी हो जाएगा 2 tan x, ये आ जाएगा। फिर देखो क्या बात की हम लोगों ने कि लेट या पुट tan x इक्वल टू t देन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec² x dx = dt यहाँ पे प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई ध्यान दीजिए बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 3 t² प्लस के क्या लिखेंगे 2t और प्लस के क्या हो जाएगा 3 कॉमन ले लो, एक कॉमन ऐसा भी कर लीजिए आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो देखिए 3 अगर हम लोग यहाँ कॉमन लेते हैं तो 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई t² + k 2/3 t + k 1 ये हो जाएगा। एस और नो एस क्लियर टू एवरीवन, यस बेटा। चलिए देखिए 1/3 को बाहर करिए, अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक स्क्वायर बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा वे मैं बताता हूँ आपको जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। जो स्क्वायर बनाने के लिए जो
टी का कोफिशियंट यानी एक्स का कोफिशियंट होता है उसका हाफ करेंगे, इसका हम हाफ करेंगे यानी टू बाई थ्री का क्या करेंगे हाफ। तो देखो टू से डिवाइड करें, टू टू कैंसिल यानी कितना है थ्री, इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए एक बार करके मैं दिखाता हूँ, टी स्क्वायर प्लस के टू बाई थ्री इंटू टी प्लस के, देखो वन लिखा है इसका हाफ स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे तो वन अपॉन नाइन माइनस वन अपॉन नाइन ये कर लेंगे हम लोग, यहां दिखेगा आगे वन बाई थ्री को बाहर करिए तो इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाई यहां देखिए टी प्लस के वन बाई थ्री का होल स्क्वायर एस देखिएगा। अगर हम इसको और इन दोनों इसको ले लिया ठीक है, तो इसको अगर हम दोनों को लिया तो ये बन जाएगा अपना टी प्लस वन अपॉन थ्री का होल स्क्वायर प्लस के, देखो क्या बचेगा एलसीएम हो जाएगा नाइन, तो नाइन बन जाए नाइन माइनस एट कितना हो जाएगा एट हो जाएगा ठीक है। तो देखिए एट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एट को ऐसा लिखे टू इंटू अगर मैं रूट टू का होल स्क्वायर लिखू चलेगा चलेगा ठीक है, तो टू अपॉन टू इंटू रूट टू डिवाइडेड बाई नाइन है तो थ्री का होल स्क्वायर। तो देखिए ऐसा फॉर्म ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, देखिएगा अगर हम लोग बात करें तो ये फॉर्म आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स तो क्या होता था वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो चलिए देख के आप बोल लीजिए कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर देखिएगा वन बाई थ्री बाहर कर लीजिए, तो देखिए वन अपॉन ए तो वन अपॉन ए ए के प्लेस पे हम ये पूरा पुट करेंगे यानी टू रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के प्लेस पे ये पूरा पुट कर लो यानी टी प्लस वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई ए रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री। और भी फर्दर कैलकुलेशन करना तो देखो थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा वन अपॉन टू रूट टू टेन इनवर्स टी के प्लेस पे क्या पुट करोगे टी के प्लेस पे टेन एक्स तो ये हो जाएगा थ्री टेन एक्स एलसीएम ले लो थ्री टेन एक्स प्लस के वन डिवाइडेड बाई थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा तो ओनली आ जाएगा टू रूट टू और प्लस के सी दिस इज राइट आंसर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर लोगे ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो अपना प्यार दिखा दीजिए, हेड अटैच कर लीजिए ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक।